नहीं समझे। लिखो दोस्त, बैक बॉन्डिंग या ऋषिक बोलते हैं एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग। ऋषिक क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा बॉन्डिंग, या ऋषिक बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग बोल दीजिए या फिर एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बोल दीजिए, या फिर ऋषिक को सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग तब बोलोगे जब आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ते हो, ठीक है। बैक बॉन्डिंग तब बोलते हैं जब इसको हम ये ब्लॉक अलग पढ़ते हैं तो बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। जब बोरान वो बोरेट पढ़िएगा ना बोरेन के बारे में, तो हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। और जब एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़िएगा तो इसी को नाम दे देंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए तो इसमें लिख लो भाई। देखो पहले कंडीशन समझ लो बैक बॉन्डिंग क्या है, कि एक जो एटम होगा उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो सराउंडिंग एटम के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। या फिर ऐसे मान लो कि अगर ये ऐसे मान लो ये सेंट्रल एटम के पास क्या है, उसको सी लिखिए बाबा, आप एस लिखते हैं क्या? सराउंडिंग एटम दोनों में लिखते हैं। अच्छा, मान लो अगर सेंट्रल एटम है सराउंडिंग एटम, यस ऐसे। हाँ आप सही है। तो या फिर ऐसे लिख लो सी, यहाँ लिख लो, यहाँ पे एस ए लिख लो। जो लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल है वो दोनों के पास हो सकता है। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो सराउंडिंग क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। या फिर अगर वैकेंट के पास सराउंडिंग के पास लोन पेयर है तो सेंटर के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। और बैक बॉन्डिंग तभी बनेगा जब पहले से एक बॉन्ड बना हो, एक बॉन्ड पहले से बना हो, ठीक है। ये भी एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पर थोड़ा इसका नेचर अलग होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नेचर अलग होता है। कोऑर्डिनेट वहां अप्लाई कर जहां पे ऑक्टेट का मैटर आता है, जबकि यहां पे उसका मैटर नहीं। अब समझना। हाँ, इसमें बैक बॉन्डिंग में एक रीजन दूसरा ये याद रखना कि अगर कहीं 2p 2p का बैक बॉन्डिंग, किसका 2p 2p बहुत अच्छा होगा। अगर 2p 3p का तो उतना अच्छा, और 2p 4p का तो उतना मतलब और उतना अच्छा नहीं। लेकिन अगर कहीं 3p 3p क्या है बहुत अच्छा, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, सेकेंड पीरियड में चलेगा। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा बड़ा कर देंगे तो वहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं चलेगा। समझ रहे हैं भाई? उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लिख लो थोड़ा सा इसमें। अरे नीले वाले इसमें लिखिए, दिख नहीं रहा है। क्या करोगे? दूसरा मार्कर है नहीं ना, ठीक है लिखिए। एकदम नहीं दिख रहा है ये नीचे वाला 3p 3p वाला थोड़ा कम। चलो छोड़ो, नहीं दिख रहा। लिख लो इसमें थोड़ा। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ज्यादा लिखवाएंगे भी नहीं क्योंकि मार्कर वैसे भी नहीं चल रहा है। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल में MAY में आर मे नॉट इंक्रीजेज बट बॉन्ड लेंथ decreases, ठीक है भाई। क्या रहा? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल मे आर मे नॉट बी increases बट बॉन्ड लेंथ decreases, ठीक है दोस्त। चलो थोड़ा सवाल देखो। बॉन्ड जैसे मान लो हमने कहा यहाँ क्वेश्चंस कि डिस्टेंस ऑफ बोरान फ्लोराइड, मतलब बोरान और फ्लोरीन के बीच का डिस्टेंस किसका? बोरान और किसके बीच का डिस्टेंस जानना है? बोरान और फ्लोराइड के बीच, मतलब बोरान और फ्लोरीन के बीच का, ठीक है। एक मेरा एग्जांपल है बोरान ट्राइफ्लोराइड और दूसरा है बोरान टेट्राफ्लोराइड। आप समझ गए इसमें? यस सर। क्या एग्जांपल है मेरे पास? बोरान ट्राइफ्लोराइड और बोरान टेट्राफ्लोराइड। तो इसमें थोड़ा अपन ने मंच बताओ, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, किसमें बड़ा होगा किसमें छोटा होगा? BF3 में तो सर जी सेम होना चाहिए, क्या कि तीन, मतलब समझ रहे? पहले सवाल समझे कि नहीं समझे? हाँ। जैसे यहाँ बोरान और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड होगा ना ऐसे, वैसे यहाँ भी बॉन्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान लो ये लेंथ D1 है, लेंथ D2 है, क्या ऑर्डर आएगा D1 D2 में? पहले बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये कह रहे सही है वो कह रहे लिख दो तो मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये बोरान ट्राइफ्लोराइड है, ठीक है ना? यस सर। मैंने आपको कभी पढ़ाया था कि अगर मान लो सेंट्रल एटम उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, निगेटिव चार्ज किसको देते हैं? निगेटिव चार्ज देंगे सर जी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
मैंने दो बार कहा था कि कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन को नेगेटिव चार्ज नहीं देते, टर्मिनल बुरान को देंगे बोले। और ये बोले थे कि अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो सेंट्रल को दीजिएगा तभी ना चार बनेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तभी ना चार बॉन्ड बनाएगा, वैसे तो तीन ही बॉन्ड बनाएगा ना भैया। यस भाई, उस तरह से देखो आप, तीन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। निगेटिव उसको दीजिएगा तभी ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तभी तो वो बॉन्ड बनाएगा। यस सर, बोलिए भाई। नहीं समझ गए, सही है। तो यहाँ देखो बस, दूसरा ग्रंथ को लेकर थोड़ा तमीज से लिखना चाहे, पहले कुछ ऐसे बनेगा क्या, टेट्रा। यस सर, अब बताओ, मान लो ये जो बुरान फ्लोरीन का बॉन्ड है डी वन है, ये मान लो डी टू है, तो क्या ऑर्डर होगा, कैसे एक्सप्लेन करिए, हाउ समझ रहे हैं आप, वो करें मतलब क्या आना, क्या चाहते हैं हम, ये कहना चाहते हैं डी वन ग्रेटर देन डी टू, या फिर डी टू ग्रेटर देन डी वन, या फिर डी वन बराबर डी टू, या फिर कह देते हैं जो भी है, एक दो, उसका एंगल कम है, पहले समझे कि नहीं समझे। अपने मन से बता दो क्या होगा, नहीं तो फिर हम तो बताइए करेंगे ना सर। डी वन ग्रेटर देन डी टू, डी वन ग्रेटर देन सभी लोग बताएंगे तभी ना माना जाएगा। अभी तो दो ऑप्शन, दो लोग बचे, दो ऑप्शन भी बचा है। एक लोग होते, एक ऑप्शन और बना देते, डी बराबर कुछ और बना देते, डी बराबर जीरो। ना ना फिक्स कर दे यार, आप फिक्स कर देते, ये भी तो कर सकते थे, तीन ही लोग हैं तो तीन ऑप्शन बनाए हैं। ये आप कह रहे हैं कि कौन कह रहा है, आप कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, कहिए। डी वन ज्यादा डी टू से, लघु जी नहीं कर रहे ना, अभी दो लोग तुम्हारे कह दिए डी वन बराबर डी टू से, ये भी जब कुछ कहें तब माना जाएगा, या फिर आप केबीसी नहीं खेलना चाहते हैं कि पहले दाम लगे सवाल करता है आंसर बताएंगे। चलिए भाई, 2 रुपए का आंसर लगाते हैं इसमें, बता रहे हैं बट बॉन्ड बॉन्डिंग किसमें हो रहा है, उसे छोड़ो ना, क्या मतलब छोड़ो क्या मतलब, मेहनत तो नहीं लिखा इसका छोटा होगा डी टू ग्रेटर देन डी वन, डी टू बड़ा होगा डी वन छोटा होगा, डी टू बड़ा होगा डी वन छोटा, सोच लीजिए पहले कौन बड़ा है, डी टू बड़ा, डी टू बड़ा, आप बताओ फिर से एक बार, आप लोग सोच लो, तुम बता पहले, तुम अपना एक्सप्लेनेशन दो। हाँ, जो वहाँ माइनस चार्ज है वो एंगल कम करेगा, एंगल कम करेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। अगर एंगल की बात करते हैं, 120 यहाँ पे 109 डिग्री है, एंगल की अगर बात करें सीधा सीधा तो ये भी देखो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, ये एसपी टू से एसपी थ्री बन रहा है। यस क्यों भैया, क्या सोच रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी अगर यहाँ टेट्राहेड्रल बताइए, बताए आप देखो, फील करना थोड़ा सा। अच्छा एक बात हमको बस ये बता दो, बॉन्ड एड और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो जानते हो ना आप। यस, बॉन्ड एड और बॉन्ड लेंथ है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर, ठीक। अभी हम बिलाल भी समझेंगे बॉन्ड एड के बारे में, किसके बारे में समझेंगे, पहले ये समझो आप, बोरान के पास एक निगेटिव चार्ज है ना। यस सर, तो जो इलेक्ट्रॉन वैकेंट था ऑर्बिटल वो फुलफिल्ड हो गया कि नहीं, बोलो। यस, यानी बोरान के पास चार ऑर्बिटल हो गया कि नहीं, चार इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बोरान के पास तीन, तीन, सोच लो एक यहाँ खाली बचा हुआ कि नहीं, तो ये वाला बताओ, अभी एक पहले खाली बचा हुआ कि नहीं। यस बोलो। यस, तो सेंट्रल एटम के पास क्या मिल गया आपको, वैकेंट ऑर्बिटल। और सराउंडिंग वाले से पूछो हाउ आर यू, कहेगा आई एम टेकिंग लोन पेयर। यस, अब ठीक है, सही इसका आंसर सही है, पहले ये समझो, रुक जाओ अभी, भागो मत अभी, तुम बहुत झूठ सच बोलते हो। नहीं नहीं, सही है, जब उसमें हो गया बैक बॉन्डिंग, रुक जा पहले, अभी बैक बॉन्डिंग चला रहे, बॉन्डिंग डिक्रीज, जब गलत कर दोगे फिर, अगर बैक बॉन्डिंग होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होना चाहिए, देखते हैं। हाँ तो हम पढ़ा रहे हैं, पहले समझो इधर, हम ही कहना चाहते हैं भैया, आप बताइएगा कि ये बैक बॉन्डिंग हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, एकदम सही हो गया, बोलिए। यस, अब अगर फील करो, पहले से सिंगल बॉन्ड बना है कि नहीं। यस सर, देखो बना, ये पार्शियल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ बताओ बॉन्ड ऑर्डर नहीं बढ़ रहा है, यहाँ तो सिंगलर रहेगा ना, लेकिन यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। आप खुद सोचो, नहीं लिखा रहता है,
कि मधुशाला इधर है, आपका ध्यान किधर है? यहाँ देखो, ये लोन पेयर बार बार किधर जा रहा है? लोन पेयर सेंटर के तरफ ना, देखो बार बार ये अपना लोन पेयर किसको दे रहा है? सेंटर। तो बताओ इसका ध्यान किधर है हमेशा? सेंटर। तो हमेशा इसी के पास आएगा ना, तो दल पास अगर लेन छोटा नहीं समझे, नोट करो इसको। सोचे सही देखेंगे इसमें। अच्छा हुआ कि आप सोचने का मौका मिला, मैं तो आप कहते हम सही सोचते हैं। नहीं सही है। अच्छा ही पता नहीं कहां से याद आ जाता हमको कि आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है। नहीं देखिए लिखा रहता है ठेका पर, समझी कर इतना बार गया लेकिन हम ध्यान नहीं दिए। हम तो जब दूध बेचते थे तब वो सब देखे, दूध लेके जाना था तो रास्ता में पड़ता था दूध लिखा रहता था। अजंब करता रास्ते में छोटा कुछ भी लिखा था पढ़ना जरूरी रहता है, लगता है कि बोर्ड में आएगा। बोर्ड में आएगा। नहीं तो पर्चा पैसा ढूंढना जरूरी होता है। बड़े से उससे अकाउंट नहीं खुलेगा चलेगा, लेकिन जरूरी होता है लूटेंगे लूटेंगे, लेकिन दोपहरों से तैयारी रहती है, कुछ ना पुलवा नोट लेंगे। अच्छा वो भी सब कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता। आप तो बता दिए फिर इसमें बैक बॉन्डिंग होगा? नहीं इसमें नहीं होगा, उसमें समझ गया ना। yes. तो वही बात है, इसका ध्यान अब सेंटर की तरफ रहेगा ना धीरे धीरे। yes, और एक बॉन्ड तो पहले से बना ही बना है। अभी मत बोलिएगा कि सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। चले आगे भाई। yes. चलो आगे चलते हैं फिर। आपको यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन जी, यहाँ पे क्या बताना है, क्या बना रहे हैं भाई आप? कौन सा? अरे तीन चार दिन इसी में लगाइएगा क्या? लग तो रहा है कि विचार बना लिए कि इस बार कोटम पूरा करेंगे। SP3 पहले वाला ना? हाँ जी, नाइट्रोजन का ही तो पूछे हैं। पहले मैं SP3 दो ट्योरी लिखते हैं क्या? कम पढ़ रहा है। नहीं तो खाली लिखो, बताना मत, खाली हंसते रहो। सिलिकॉन लिखे, कहाँ सिलिकॉन है? हाँ सिलिकेन है वही, माने हम ऐसा ही बस। हाँ तो ठीक है, ऐसा ही है लिखा एक तरह से। हाइब्रिडाइजेशन दोनों को मिलाकर नहीं बताना है। बताओ जल्दी से, तीन चार दिन लगाने का विचार है क्या? SP3 दोनों वही तो पूछ रहे थे, तो चार साल पांच साल लगा। SP3 हमने सुना है कि कार्बन सेकंड पीरियड का। यस सर। और आपने सुना होगा कि नाइट्रोजन जो सिलिकॉन है वो थर्ड पीरियड का। हाँ थर्ड पीरियड। हमने सुना है कार्बन बस को डी ऑर्बिटल नहीं होता। नहीं होता, लेकिन सिलिकॉन कहता है IM अवेलेबल। यस सर, IM। इतना आप सुने भाई शशिकांत जी? अच्छा ये कहता है कि भैया हम तो अभी कुछ काम से जा रहे हैं इसके मिलने, ये कहता आ जाओ कोई बात नहीं है, मैं व्यवस्था रखें तुम्हारी होली की व्यवस्था। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन फोन कर रहा है कार्बन को, किसको फोन कर रहा है? ये कह रहा भाई हमारे आर्मी वाली व्यवस्था नहीं है। समझ गए एकदम से। समझे भाई, फ्रस्ट्रेटेड है क्या नहीं। कि कब मिलेगा तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? SP3। क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? SP2। समझ गए भाई आर्मी वाला कॉन्सेप्ट नहीं। अब मान अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में बेसिसिटी बताओ, कौन बेस अच्छा होगा?
जो इलेक्ट्रॉन ना देना चाहिए मतलब ना देना चाहिए मतलब ये बताओ कि अगर दे रहा है तो जब OH मिलेगा तब ना दोगे OH हाँ। में दिख रहा है नो सही है जो दिखेगा वो बोलोगे जो नहीं दिखेगा वो बोलोगे पहले ये डिसाइड कर लो जो दिखेगा वही बोलो भैया देख करके बोलना है ना कि आप जो बचपन से पढ़ गए वही बोलिएगा नहीं देखने से बस ये बताओ लेविस बेस का नाम सुना लेविस एसिड का लेविस बेस का क्या डेफिनेशन है लेविस एसिड का तो होता है एक बात बताओ कभी आपको पढ़ा है डीलोकलाइज और लोकलाइज लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा लोन पेयर लेते हैं कौन उसमें लोकलाइज है लोकलाइज तो वही वाला है तो वही ना डोनेट कर सकता है ये तो घूमने में बिजी है ये भाई कहाँ तुम ध्यान लगा समझ ये तो लोन पेयर घूमने में बिजी है यार यस लोकलाइज तो डोनेट करेगा लोन पेयर नहीं करेगा नहीं सर डीलोकलाइज और लोकलाइज इतना प्यार से बता रहे फिर भी हमें लोकलाइज लोकलाइज डीलोकलाइज कर रहे ये हम लोगों की उम्र जो होती है ना डीलोकलाइज वाली होती क्या होती है आज यहाँ कल वहां परसों वहां अच्छा फिर रजिस्ट्रेशन हो जाता तो फिर लोकलाइज हो जाती है टाइम से ऑफिस टाइम से वो कैंट डिपो नाम सुने बस पे लिखा था ये बनारस डिपो तो सारना डिपो मतलब दिन भर वो कहीं चले गए लेकिन शाम को डिपो में खड़ी होनी क्या पहले खुशी सन्ने जी कर अभी तो हम लोग बचे हुए हैं सैलियम खड़ी करके चल देते हैं हेड क्वार्टर तक पहुंचते हैं फिर बस करते हैं गेट आ गया ठीक है चलते हैं ये भाई देखो थोड़ा मेहनत से पढ़ो यार टफ नहीं है लेकिन समझो हर बच्चे के लिए टफ है ठीक है और सिलेक्शन तभी होगा जब क्लास के आप टॉप 10 के भीतर आइएगा टेस्ट में याद रखिएगा नहीं तो फिर खटका जाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा याद रखिएगा हम मजाक नहीं करते हैं देखिए जो बच्चा आप टॉप कर रहा था वो बच्चा चाहे जैसे वैसे मिल गया ना कॉलेज और लोग देखिए फेंका गए कि नहीं फेंका गए जबकि जब भले से पेपर किसी लायक था बस सबसे चाहे जैसा भी पेपर रहा उससे नहीं मतलब है लेकिन देखिए और लोग फेंका गया कि नहीं फेंका गया बताइए आप खुद ही फील कीजिए और किसी का निकला MBBS वो अलग मैटर है SC ST रोना गाना छोड़िए पहले चले भाई आगे नेम लिख देते हैं PS3 इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो फास्फोरस किसका बताना है लिखा कम करो आप लोग आंसर ज्यादा बोला करो यार इसका SP3 फास्फोरस क्या होगा SP2 कैसे तुम कई बार लिख के कई बार काट रहे हो यार पहले SP3 लिख के काटे हो देखो देखो सामने जी क्या लिखे देखो इधर देखो ये क्या लिखे SP3 हम कुछ कह नहीं रहे मतलब ऐसे ही देख रहे हैं कि मतलब ध्यान अब कितना किधर है हम कुछ कह नहीं रहे यार चले आगे यस हेडिंग लिखो लेविस कॉन्सेप्ट लेविस कॉन्सेप्ट वही लेविस एसिड और लेविस बेस बेस हाँ
मैं एक एक लाइन लिख दूं चलेगा? अगर एसिड होगा एक्सेप्ट लोन पेयर एक्सेप्ट यस, और बेस है तो लोन पेयर डोनर। बस इतना ही इतना चाहता हूँ। लोन पेयर एक्सेप्टर और लोन पेयर डोनर, क्या इसमें कोई डाउट आपको? अब मेरे पास बोरान ट्राई फ्लोराइड है। देखो सवाल आप एग्जाम में आए हुआ बोलन आयु क्या लघु जी yes, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जब भी आप पढ़ेंगे ना बोरान फैमिली एलेवेंथ में ये सवाल झोला भर करके आया था। इसमें बताना एसिडिटी ऑर्डर, क्या बताना है? एसिडिटी, चाहे तुम एसिडिटी बताओ चाहे बेसिसिटी बताओ, दोनों बात क्या है? एक ही है। मतलब एसिडिटी बताएंगे तो उल्टा बेसिसिटी हो जाएगा, बेसिसिटी बताएंगे तो उल्टा एसिडिटी हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? पहले नहीं समझे हमारी बात। जो लेविस बेस रहेगा उसको हम ये नहीं कह रहे यार, हम ये कह रहे हैं। अच्छा पहले डिफरेंशियल लिखो, तुम लोग मर जाओगे। लिखो पहले यार, टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस, हम नहीं लिखेंगे, मार्कर की प्रॉब्लम है। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड एज वेल एज पॉसिबल, कुमकुम इज डिफाइंड एज एसिडिक स्ट्रेंथ। एक लाइन बस इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या चीज? ये पूरा डेफिनेशन में एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक वर्ड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, नहीं आउटसाइड। अच्छा आउटसाइड, बस वही अंडरलाइन करो, खाली अंडरलाइन बोले तो गोला मार दिए काट पर। इसका मतलब हो गया एसिडिटी, यही ना हुआ? मतलब लोन पेयर जैसे एक्सेप्टर आपने लिखा है ना, तो बाहर जो जितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा उतना अच्छा एसिड हुआ। तो एसिडिटी टर्म क्या बोलेंगे? अच्छा एसिड हुआ ना, जो जो बाहर से एक्सेप्ट नहीं करेगा उतना अच्छा एसिड नहीं हुआ, फिर बेस हो जाएगा। अच्छा एसिड का उल्टा जस्ट बेस। सुनो एसिड में क्या लिखा, लोन पेयर एक्सेप्टर के नहीं, तो अगर जितना जल्दी जो एक्सेप्ट करेगा उतना अच्छा एसिड हुआ कि नहीं, और जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो बेस। नहीं समझे बात? तो यही एक आर्डर लिखो, फिर यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें लगाओ दिमाग अपना पूरा पार। अच्छा ये तो ठीक, नकल कर मत मारना यार। बहुत बार सॉरी बोला, अब बताओ इसीलिए कौन इमेज इलेक्ट्रॉन अपन लोन पेयर देवा चाहिए पागल गोल्डन अपन जब ज्यादा पीरियड बढ़ते बैक बॉन्डिंग के चांस कम है, बस कम है जो में कम रही बैक बॉन्डिंग, माने कि लोन पेयर कम डोनेट कर डोनेटर तो इमेज कौन डोनेट कर रहा था? कहीं नहीं है, डोनेट ना करता का टूपी टूपी बैक बॉन्डिंग बहुत बढ़िया डोनेट टूपी टूपी का है हमें लेकिन हमें समझेंगे समझाएंगे। लोन पेयर जो है
हम वो है ट्रिक ये लोगे देखो इन्वॉल्व हुई बैक बॉन्डिंग ये सबसे ज़्यादा ये फ्री मतलब उल्टा आई एसिडी पिस्टन हाँ तो सही कहा तुम बताओ कैसे लेकिन इसको फायदा थोड़ा ना यहाँ चले मैं कल तो कहीं से मार इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसमें कहाँ से मिला आपको सर पहले लिखवाए थे जो नाच रहा था उसे बताओ उसकी बैक बॉन्डिंग में जो ज्यादा इन्वॉल्व होगा ना वो मतलब वो अपना लोन पेयर दे रहा है ना लोन पेयर दे रहा है मतलब क्या हुआ बेस हुआ तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा बी एफ पी फिर बीसीएल ऐसे पहले समझाओ तब ना अरे टूपी ये भी टूपी का है बी और ये भी टूपी का टूपी टूपी बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे बगल में दूध मिल रहा हो तो तुम जाओगे चार गांव दूर से दूध लाने बोले भाई नहीं समझ रहे दो कंडीशन एक आपके बगल में दूध वाला थे दूध दे रहा है एक आपका दस घर बाद काम उस छोर पे दोस्त कहाँ दूध लेना पसंद करेंगे मत कहना कि पानी देता वो खाते ही देता है तो मामला गड़बड़ा जाएगा यहाँ देखो भाई यहाँ जो बोरान है इसको देने के लिए फ्लोरीन है यहाँ जो बोरान इसको देने के लिए है ना भाई अब ये देखो ये टूपी टूपी है कि नहीं तो यहाँ का बॉन्डिंग देख लो ये साइज का डिफरेंस हो गया कि नहीं ये 2p और 5p एक नहीं लगो जी yes. जो साइज बहुत बड़ा है तो इसमें आपने कभी सुना होगा इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से होगा जब ये साइज छोटा तो बहुत रिपल्शन होगा ना बहुत yes. भीड़ भाड़ में होगा बोलो भाई तो जल्दी से डोनेट करना चाहेगा ना yes. ये डोनेट नहीं करना चाहेगा तो जब ये जल्दी से डोनेट करेगा तो इसके अपडेट को जल्दी पूरा करेगा yes, ये उतना जल्दी पूरा नहीं करेगा किसको बाहर से ज्यादा रिक्वायरमेंट है बाहर से ज्यादा रिक्वायरमेंट किसी को ना भाई इसको घर में इतने अच्छे से मदद नहीं कर रहे हैं तो रिटर्न कहाँ से एक्सेप्ट करेगा बाहर से लेकिन यहाँ उस तरह कोई दिक्कत नहीं है नहीं समझे तो इसका अपडेट देखो जल्दी पूरा हो रहा है ना भाई इसका अपडेट इसके कंपेरिजन में इसका अपडेट तो जल्दी पूरा होगा ना क्या भाई नहीं हाँ सही है फिर से बताएं जबकि देखो भाई ये साइज बड़ा है कि नहीं बड़ा है बताओ यार ये जल्दी डोनेट जबकि जल्दी डोनेट कर देगा ना भर देगा पूरा इलेक्ट्रॉन 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 यस तो बाहर किसको रिक्वायरमेंट है लिख देंगे ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ माने BI3 या देना सही मेन मैटर इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ लीजिए यस सही चले आगे फिर चलो आगे देखो कांसेप्ट का P पर P पर P पर D पर D पर D पर इस तरह का सवाल आपके नीट में पूछता है P पर P पर या P पर D पर D पर D पर मैं इसको बहुत जल्दी बनाना चाहता हूँ थोड़ा जल्दी लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ P पर D पर B पर D पर बस एक बात याद रखो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं अनहाइब्रिड होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं मतलब जितना हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और जो पाई बॉन्ड होता है वो अनहाइब्रिडाइजेशन नहीं कराते क्या ये नाम कभी सुने हैं यस सुन लिया आज सुने तभी भी ठीक नहीं सुने तभी ठीक कभी जान देने की बहुत जरूरत नहीं है नहीं जैसे मान लो हमने लिख दिया भाई H2CO3, H2SO4,
SO2 और SO3। तो हमको जानना है कि किसमें पी पाई, पी पाई किसमें पी पाई, डी पाई डी पाई, डी पाई है। और अपने एक बार दिमाग लगा, खुरा पाते दिमाग। अच्छा, सल्फर आ गया तो सल्फर वाले में डी तो मिल ही जाएगा, तो ये तो कंफर्म, ये तो कंफर्म है। पी पाई से कार्बन वाले मिलना चाहिए एकदम, ये कंफर्म है। H2CO3 है तो सिर्फ पी पाई रहेगा। लेकिन कैसे, वो तो ठीक है कि अगर थर्ड पीरियड का तो सिंपल सी बात है भाई कि डी होना चाहिए। और इसमें जो है सर जी SO2 SO3 में इसमें होगा पी पाई डी पाई। सब सही है, इसी को बताना है कॉपी पे। कैसे कैसे कुछ डायग्राम कुछ बना अपने हिसाब से प्रूफ करो थोड़ा। अच्छा, वो तो उसका ऑर्बिटल बना करेंगे और का डंबल वाला से यस वाला डी में का तब यस 3p है ना, तो 3d भी तो होला ना, ऐसे समझे। थर्ड पीरियड से यस है ना, तो थर्ड 3d होता है ना, बस वही से H2CO3। देखो इसमें टाइम बच जाने के लिए क्या करो, कार्बन कितना बॉन्ड यहां बनाएगा, कार्बन बनाएगा मेन मैटर, चार बॉन्ड बनाएगा कि नहीं। हां चार बॉन्ड बनाएगा, चार बॉन्ड तो हमेशा करना है, सही है ना। तो देखो कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा ना, क्यों भाई। उसमें से सिग्मा कितना है, सिग्मा 3 2 और पाई कितना है 1। तो तीन बॉन्ड चल जाएगा सिग्मा में और एक बॉन्ड चल जाएगा पाई में। हां यही ना, तीन सिग्मा एक पाई है। तो अब देखो जैसे कार्बन का आपने कभी सुना होगा 2s1 2p3 होता है एक साइड स्टेट में, 2s2p2 होता है ग्राउंड स्टेट। हां यस सर, साइड करोगे तो हो जाएगा, जाएगा कि नहीं s1 2p3। बोलो भैया कितना आपको इसमें सिग्मा बनाना है, कितना हाइब्रिडाइजेशन है पहले बताओ। अब ऐसे 3 2 3 2 एक ds पकड़ेंगे, दूसरे p पकड़ के रगड़ देंगे। यस सर, हां रगड़ दी। हां भैया देखो ये p बचा है कि नहीं यार, इसी बोलते हैं अनहाइब्रिड। क्या बोलते हैं अनहाइब्रिड, इसको रगड़ते नहीं। जब रगड़ देंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा उसमें, हाइब्रिड हाइब्रिड हो जाएगा। होली का त्योहार आ भी रहा है, उसमें करते क्या, जितने लोग मिले सबको धाई का रगड़ देते हैं, जैसे 1 2 3 रगड़ दीजिए, देखो सब एकदम ब्लैक ब्लैक आएंगे। जैसे रगड़ने से पहले कोनो लाल है तो कोनो करिया है, कोनो इससे चमकता रहता है। जब ये जब ग्रुप में बैठा जाते हैं नहीं देखे ऐसा, जब दो सब धाई का रगड़ देते हैं देखो सब एक वैरायटी के निकल के आते, ब्लैक कमांडो। समझे जी, कुछ याद आ रहा है, कह रहे चलेंगे इस बार हम भी। तो ये समझ के लगभग यहाँ पे तो ये देखो, अब एक ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन का टू देखो, यस में दो होता है और पी में चार होता है, यही ना। तो दो ही बॉन्ड बनाएगा ना, दो लोन पर एक नहीं ऑक्सीजन बताओ। तो दो बॉन्ड में देखो एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना यार, उसमें ऑक्सीजन ध्यान से देखो, ये जो दो बॉन्ड बना रहा है तो एक सिग्मा एक पाई मिलेगा कि नहीं। एक देखो ये चला गया सिग्मा बनाने में और एक कहां चला गया, पाई बनाने में। तो याद रखो कार्बन का ये 2p ऑर्बिटल है कि नहीं, अरे सॉरी ऑक्सीजन का 1p है कि नहीं, और देखो एक कार्बन का 2p है कि नहीं, अब पाई है तो पी पाई पी पाई। यस सर, ऐसे भैया देखो ऑक्सीजन का तो टोकर है, हर हाल में हम एक देखो सिग्मा देंगे एक पाई बनाएंगे। यही चेक करो सल्फर में कितना बॉन्ड बनाएगा, सल्फर सीधे सीधे छह बॉन्ड, बात करते अपन बात करते हैं छह बॉन्ड बनाएगा। यस सर, क्यों भाई तुम समझ रहे हो सेशन में हो, दो पाई चार, अरे सिग्मा कितना बनाएगा, चार, टोटल कितना बनाएगा, छह बॉन्ड बनाएगा। ये हम जानते हैं कि ऑक्सीजन वाले ग्रुप में सल्फर भी आता है। यस, ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी, आओ चलो मियाँ किधर हो, पहले ये देखो एक साइड भर दिया कि नहीं, मत गिनना कि डी तुम पांच नहीं बनाया, अभी बना दिए। हम ये कहना चाहते हैं कि कितना सिग्मा बनाएगा लव कुशी, चार, उठा के रगड़ दे सबको धाई के, चार हो गए ना हाइब्रिडाइज्ड। क्यों भाई समझे, अब ध्यान से देखो ये डी का बचा ना, इसको डी है कि नहीं। यस सर, लेकिन दोस्त ये कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो पी ही लोगे ना। ये देखो एक जो बनेगा वो डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई, समझ गए। और भाई तुम फ्रस्ट्रेशन में तो नहीं जी रहे हो, नहीं समझ पा रहे हम क्या करें। अच्छा कहाँ तक नहीं आ रही बताओ, तो वहां तक चलें एक बार सिर्फ तुम बताइए, किसको लिख के बताइए ना, वन एस टू एस तो अब उतना नहीं लिखेंगे, कितना देखो फिर से लिखते हैं। ऑक्सीजन के आउटर शेल में देखो चार इलेक्ट्रॉन होता है,
उसमें कोई डी नहीं होता क्योंकि वो सेकंड पीरियड का होता है, इतना बता सकते हैं। सल्फर में कह सकते हैं कि जब पूरा उठा के फेंक देंगे उसके पास डी ऑर्बिटल होता है। सल्फर पास कितना होता है? और छह पॉइंट बना तो हमको छह इलेक्ट्रॉन चाहिए, छह हो गया कि नहीं हो गया पहले? तो कह रहा है कि सल्फर कितना सिग्मा बना रहा है? तो चार सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। चार सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन पकड़ो ठैया से, तीन पे एक है, तीन पे तो पकड़ के रगड़ दो पूरा, रगड़ दिया, चलेगा सिग्मा में। अब कौन बचा भाई? अनहाइब्रिड। ये देखो ये डी ऑर्बिटल है ना, इसका अब जैसे देखो ऑक्सीजन में दो अनपेयर्ड है कि नहीं, तो एक ऑक्सीजन सिग्मा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? देखो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कि नहीं ऑक्सीजन, और एक पाई बनाएगा कि नहीं? तो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है कि नहीं? तो इससे देखो इससे टू पी बनेगा, ये पी पाई पी पाई, ये और दूसरा ऑक्सीजन लोगे उससे देखो एक बनेगा पी पाई इधर से ऐसे, मतलब दो ऑक्सीजन लिए हो ना भैया सल्फर से, दो ऑक्सीजन लिए नहीं लिया कुछ। देखो सल्फर के पास दो ऑर्बिटल है, दोनों डी में, तो इसका हम बोलेंगे डी पाई, इसका बोलेंगे पी पाई, फिर बोलेंगे डी पाई, इसका बोलेंगे पी पाई। अरे लड़के सुनो, इधर सुनो, अगर मान लो, मान लो अगर ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता, sp2 बताओ कट एस लेते कट पी लेते, ये लेते कि नहीं लेते? ये बचा कि नहीं बचा? ये पाई है, लेकिन ये पाई किसका है? डी का है कि पी का? पी का। इसका नाम देंगे पी पाई, पी पाई, पी पाई। अरे इसका लोगे तो पी पाई कहोगे कैसे? तो कैसे इधर देखो sp2 बना रहे स्ट्रक्चर, देखो हमने ऐसे सीखा ऐसे बनता है, तुम सीखोगे तो ठीक है। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे? sp2 लिखा नहीं है? यस। वैसे भी देखो छह बटा दो, छह बटा दो जब यहाँ बनाओगे तो देखो इसी को उठा के इधर फेंक देंगे, इसमें सही है। बोलो भाई तुम बस हमको ये बता दे मंदारी से कितना बॉन्ड बना रहा सल्फर? सल्फर कितना बना रहा है? एक चार्ट। अच्छा देखो तो चार्ट है बॉन्ड, एक लोन पेयर है कि नहीं? कुल मिला के छह हुआ कि नहीं? आओ सल्फर तुमको मिलाते हैं। सल्फर कहता है 3s2 3p4 ही जानते हो कि नहीं? वो कहता है 3d खाली, अभी क्या 3d खाली। यस में कितने हो गए? पी में कितना हो गया? चार, दो छुपी के खाली है। डी में क्या है? पांच टो। यस सही है ना? अरे एक ही लाइन याद रखो, पहले अभी कितना बॉन्ड बना सकता? दो। हमको कितना बनाना है? चार बनाना है कि नहीं? लोगों से बोलो भाई चार टो। इसको उठा के यहाँ फेंको तो पहले कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? चार बन गया। बता जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करते नहीं करते हो? करते हैं। तो देखो यहाँ से एक सिग्मा ले लेंगे, दो ठे लो, ये देखो ये तीनों को हाइब्रिडाइज करा देंगे, ये लोन पर हो जाएगा, दो ठे सिग्मा हो जाएगा। अब दो ठे बचा कि नहीं बचा? तो देखो सल्फर का एक ठे जो बनेगा यहाँ पाई बॉन्ड उसका नाम देंगे पी पाई, और ये जो बनेगा उसका नाम देंगे डी पाई। अगर जानते हो तो जान जाओ, ये देखो पी से बनेगा तो डी से बनेगा, जब पी से बनेगा तो हो गया पी पाई, और डी से बनेगा तो डी पाई, और ऑक्सीजन का था चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा हम क्या बनाएंगे? हमेशा पी पाई देंगे, हमेशा क्या कहते हैं? पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई, डी पाई। तो अगर बात करें SO2 का तो तुमको मिलेगा पी पाई डी पाई, पी डी पाई डी पी पाई। थोड़ा सा गलती हो गई, मैं सुधार दे रहा हूँ, ये पी पाई हो जाएगा। देखो समी जी, एक देखो पी पाई पी पाई, एक डी पाई पी पाई। तुम कहोगे डी कहाँ से आएगा? देखो यही से लेके आए, और हमने पहले ही बोल दिया था हाइब्रिड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये चीज तुमको याद हो चाहे ना, हमने वहाँ बताए थे जब वो सिग्मा बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड बनता है, कि हाइब्रिड से हमेशा सिग्मा बनता है और प्योर ऑर्बिटल से पाई बनता है। नहीं भी जानते तो बात जान जाओ, क्योंकि इकोलॉजी हमेशा बार बार एक ही बार आता है ना। yes, सीखते हो ना भैया? yes, ये भी तो एक ही बार सीखो कि प्लास्टिक वो बेचोगे हमेशा है ना राजा? ये सोच रहा मेडिकल हाथ खोलेंगे समझा राजा अभी? yes. तो कुछ कहें कोई बात नहीं सर, नया नया फ्लावर बेचेंगे। देखो कितना खुश हो रहे हैं। सोचो जितना बेचने नहीं कमाते उतना उसका प्रचार ऐड करने वाले कमाते हैं, जो ऐड देते हैं वो सबसे अधिक पैसा कमाते हैं, 20 लाख करें करोड़ों रुपया लेते हैं, इतना बेचने वाले नहीं कमा पाते। जीएसटी काट के 10-20 रुपए हम 10 रुपए 15 रुपए ऐसे चल जाएगा, कंपनी में जाएगा 5 रुपया। इधर देखो तुम बेचो उसमें धरा यहाँ देखो। अब SO3 में कितने बॉन्ड बन गए सर? लोगों से
देखो SO3 में कितने बन गए भाई? SO3 में 6 बन। तो देखो इसको डाक साइड करा दिए। अब कितना सिग्मा बना रहा है? 4 तीन, सिग्मा। तो तीन तो सही है ना? तीन तो सिग्मा है। अब देखो एक साल भर का ये पी है। पी है तो पी। देखो ये पी पाई पी पाई हो गया। और आज देखो हमेशा पी पाई बनाएंगे। फिक्स कर लो। देखो साल भर का ये देखो डी वाला है। ठीक है ना? हम देखेंगे डी पाई पी पाई और ये देखेंगे डी पाई पी पाई। कुछ समझे दोस्तों? यस सर। तुमसे सवाल एक पूछेगा, चार ठहरते देगा, पूछेगा इसमें से किस में डी पाई पॉइंट बनेगा। डी पाई पी डी पाई डी पाई पी। एक ही बार देखो जो थर्ड पीरियड होगा उसी में डी पाई बनेगा। यस, उसी में डी पाई बनेगा। क्योंकि थर्ड वाले में ही जैसे वो फास्फेट सल्फेट क्लोरेट ओजोन ओजोन में नहीं, बस याद रख लेना बस। और क्या नेक्स्ट हम थोड़ा पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। किसके बारे में? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट पढ़ लेंगे कि उसमें सवाल कभी कभी आता है फार्मूला वाला परसेंटेज ऑफ फाइनल करेक्टर। अच्छा, म्यू थ्योरेटिकल अपॉन मिक्स करंट इनटू 100 डिवाइड में सर आता है जो भी आता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ाएंगे अभी डाइपोल मोमेंट, तब बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन। और एक अभी ट्रिक मोस्ट टाइप की मुझे बताना बॉन्ड एंगल, देखेंगे वो सब आ जाएगा उसी में। क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट में? तीन मतलब तीन टॉपिक है, तीन टॉपिक नहीं मेरे पास छह टॉपिक। कितने टॉपिक? देखो बताते हैं कौन कौन। जैसे एक आप तो मैंने एक हमने क्या बोला अभी डायपोल मोमेंट, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक आपका लैटिस एनर्जी, एक फजान्स रूल, एक हाइड्रेशन एनर्जी। भाई ये इतने टॉपिक यहाँ पे इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको जब आगे चल के ब्लॉक पढ़ोगे तो वहीं वही सब आएगा, यहाँ पढ़ेंगे तो वहां मैटर खत्म हो जाएगा। भाई जो आप एक लाइन का नहीं लिखाते याद करो यस ब्लॉक वाला, उसमें हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, कोलेंट करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर है ना, ये सब चीजें। वो सब चीज हम यही पढ़ लेंगे, वहां पे आराम करेंगे चल करके। ठीक है, तो बस इतने बस करते हैं।